जिराब घूमते ना ना सॉक्स सॉक्स जुराब और सॉक्स एक ही चीज होती है जी। बनियान। अच्छा बनियान भी नहीं थी क्या अभी लाई? अरे राम तो जी यहाँ हो रही है स्कूल जाने की तैयारी और ये अपने कपड़ों के प्रेस कर रहे हैं और यशु के जो कपड़े हैं वो भी हाथों हाथ ये अभी प्रेस कर देंगे जिससे मुझे ना करने पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है फिर क्योंकि 8:30 बजे तकरीबन उसका स्कूल है उसमें। ध्यान से जाना आराम से धीरे धीरे। थैंक यू। क्या अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर बहुत ज्यादा घबराते हैं या जब तक आपका काम न बन जाए तब तक आपको टेंशन से बनी रहती है तो आज के दिन आपको अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में एक मुट्ठी चावल। हेलो जी, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? और नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन ऐसा ही जाना चाहिए। भगवान का अच्छी अच्छी शुरुआत लग रही है मुझे। तो यहाँ दोनों बच्चे सोए हुए हैं और जो ये बाबू है ये तो दोबारा सोया है जग के खाना पीना करके अपना। और मेरी नज़र इसी पे है, क्या है कि ये कभी भी उठ सकता है। और ये देखिए इन जनाब की आँख, जैसे ही मैं कैमरा लगाया ना मैंने तो इनकी आँख खुल चुकी है। और जब इनकी आँख खुल जाती है ना तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये सीधे चलते हैं और कब गिर जाएं कोई पता नहीं है इनका। राधे 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 राधे। आलसी आदमी। राधे राधे बिट्टू। अब टू तो जी ये निकल चुके हैं अपने मिशन के ऊपर। और इनका जो पहला मिशन होता है वो सिर्फ ये बेड के ऊपर जो ये मतलब साइड में जो अलमारी वो रखी हुई है ना ट्रंक उसके ऊपर जाने का होता है। हमेशा यही होता है जब हम नीचे सोते हैं, कभी हम नीचे सो जाते हैं और कभी छत के ऊपर सो जाते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो अभी मेरी तबीयत फ़िलहाल ठीक नहीं चल रही तो अब नीचे ही सो रहे हैं। तो बस ये भाई साहब ये देखिए चल पड़े और यहाँ पे जो भी सामान रखा होता है ना इसके पास में वो सारा गिरा देता है। और अभी यशु भी उठने वाली है, ये देखिए इनकी निगाह है वो यशु के ऊपर है। और मतलब ये यशु को बहुत परेशान करता है उठने के बाद में, इसका मन नहीं लगता है इसके बिना। और ये देखिए अभी गिर जाता पर ये पूरे दिन चलता है, ये वाला काम तो है ना ये पूरे दिन ही होता है भाई साहब का। पता नहीं कितनी बार गिरता है और कितनी बार उठता है। बेटा आज और देखिए मैंने बोला था ना आपसे इसको चैन नहीं पड़ता जब तक यशु को नहीं जगा देता ये। बाबू बाबू जगी ना ये अभी कम्बा नहीं है ना। तो जी सभी लोग स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। क्या है कि एकदम से तो झाड़ू नहीं लगाते, कम से कम आधा घंटा पौन घंटे के बाद में जब वो स्कूल जा चुके होते हैं सभी लोग उसके बाद में मतलब ये वाला कार्य करते हैं साफ सफाई वाला। और उस अंतराल में हम तीनों जनी बैठकर बातें करते हैं और मतलब किसी भी टॉपिक को ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा लगता है जब घर में 2-3 लेडीजें होती हैं ना तो उन सब की अलग अलग बातें होती हैं और
वो मतलब उनका डिसीजन भी मतलब किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हो, ये बात तो अलग है। और लेकिन हाँ, सभी के अपने अपने वो क्या बोलते हैं, अपने अपने मन की बातें होती हैं जो शेयर करती हैं और अच्छा लगता है। तो जी ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अभी मैं फटाफट से झाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि बाबू भी सो रहा है और पूजा दूसरा काम कर रही है, मम्मी भी अलग काम कर रही हैं। तो बस जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा हम सब का फटाफट। जब तीन तीन लोग एक साथ काम करते हैं तो जल्दी काम ख़त्म होता है, आप सबको पता है। और इसके बाद मुझे नहाना भी है तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए बाबू उठ ना जाए तो मैंने लाइट भी बंद कर दी है यहाँ की, जिससे कि उसको थोड़ा सा ये लगेगा कि रात ही है अभी, ये मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, तो आज तो जी ये देखिए मैंने नई चादर बिछाई है, और मतलब नई तो नहीं है, पुरानी है चादर तो, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइट कलर है इस चादर का। और इस पे जो है ना ये प्रिंट नहीं है, इस पे ये कढ़ाई जैसा वर्क है कुछ, और बिछाने के बाद ये बहुत अच्छी लगती है और सेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है बेड के ऊपर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये एक बार चादर है ये दिखाऊं, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जब से बिछा रहे हैं तब से ही अच्छी लग रही है। कितनी पुरानी है ये चादर लेकिन आज तक इसका जो कलर है ना वो वैसा का वैसा ही है। तो जी ये अभी आ गई हूँ मैं छत पे, नीचे तो मतलब साफ़ सफाई हो चुकी है और ये छत वाला हिस्सा है यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई है इस वाले एरिए की, तो मैं बस खाली ये वाला काम है इसको करके फिर नहाने चली जाऊँगी, नहीं तो फिर काम अधूरा अधूरा रहता है ना कि तो अच्छा नहीं लगता। बस ये एक काम है उसको कंप्लीट करके ही और नहाने जाना अच्छा लगता है। तो बस कपड़े बाद में धोने हैं मुझे नहाने के बाद, तो मैंने कपड़े रख दिए। और वो गाना कौन सा था जो अभी आप गुनगुना रहे थे? सफाई करनी है। सफाई तो कर लेना, पर ये बताओ वो कौन सा गाना था? वो इधर आओ, इधर आओ, मैं नर्स नहीं है क्या आपके अंदर? किसको कह रहे हो पागल? तो डायपर तो ले आना, पर पागल किसको बोल रहे हो? ठीक है मैं आपके साथ खेलू ही नहीं, आपकी फ्रेंड भी नहीं बनू। आपकी फ्रेंड नहीं बनू मैं, कोई बात नहीं मैं फ्रेंड नहीं बनू अब आपकी। तो जी आज काफ़ी लोग ऐसे बोलेंगे कि वापस ब्लॉग क्यों बनाया, तो जी ये कारण है मेरे ब्लॉग बनाने का, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे साथी हैं कि बस उनके बिना मैं भी नहीं रह सकती, और आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं उनके। और बात सही है कि अगर 13 लोगों की फैमिली होती है वही नहीं संभलती, तो आज मेरे पास 13,000 लोगों की फैमिली है, तो उसमें परेशानियां तो आएंगी ना। काफ़ी लोग ऐसे घर में भी मिल जाते हैं नहीं, कि वो नाटक के अंदर नहीं देखते कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, तो बस सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मैंने भी सोच लिया कि अब सब साथ चलेंगे, और कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट करेगा तो उसको रिप्लाई ही नहीं देंगे, उसको पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे को प्यार करने वाले मेरा को चाहने वाले जो मेरी फैमिली है उसमें उनकी मात्रा ज़्यादा है, तो बस मैं क्यों टेंशन लूँ फिर मेरे पास आप सब लोगों के होते हुए। और अगर अभी भी अगर नेगेटिव कमेंट आते ना तो ऐसा डंडा मारूंगी उनको कि वो याद रखेंगे, है तो फैमिली के ही ना, तो फैमिली वालों को कभी कभी डांट भी पड़नी चाहिए, इसीलिए मैंने कल डांट लगाई थी कि मेरा पूरा दिमाग खाली करके रख दिया था और